आनंदपाल गैंग के सबसे बड़े दुश्मन गैंगस्टर राजू ठेठ को अब जिंदगी भर सीकचो के पीछे रहना होगा। सीकर के एडीजे कोर्ट ने विजयपाल हत्याकांड में आज ठेठ को मोहन मांडेता के साथ आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। दोनों पे 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दें कि 2005 में दोनों ने रानोली में विजयपाल और भंवरलाल पर हमला बोल दिया था, जिसमें विजयपाल की मौत हो गई थी और भंवरलाल घायल हो गया था। इसके बाद दोनों फरार हो गए थे, जिन्हें राजस्थान की एटीएस टीम ने झारखंड से गिरफ्तार किया था। उसके बाद से दोनों पर सीकर एडीजे कोर्ट नंबर 4 में मुकदमा चल रहा था, जिसमें आज एडीजे सुरेंद्र पुरोहित ने दोनों को यह सजा सुनाई। आपको यह भी बता दें कि राजू ठेठ पर कई जिलों में हत्या और लूट के कई मामले दर्ज हैं। वहीं गैंगस्टर आनंदपाल को मारने की भी यह कई कोशिशें कर चुका था, जिसके चलते आनंदपाल गैंग के गुर्गी सुभाष बराल ने भी इस पर सीकर जेल में रहते हुए गोली चला दी थी, जिसमें वह बच निकला था। लेकिन इसके बाद पुलिस ने राजू ठेठ की सुरक्षा और बढ़ा दी थी। आज भी जब उसे कोर्ट में लाया गया तो पुलिस जाब्ते के बीच बुलेट प्रूफ जैकेट में ही उसे कोर्ट में पेश किया गया था।